मैं आया हूँ 30 किलोमीटर लोनावला से दूर कामशेत में और हम जा रहे हैं एक रिसोर्ट कम होम स्टे जिसका नाम है संभारा बाय द वे। आई थिंक द होल स्ट्रेच कसारा कामशेत खंडाला लोनावला मॉनसून के बाद लोनावला खंडाला जो है थोड़ा सा कमर्शियल हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये इंटीरियर्स में आ सकते हो इतनी शानदार जगह होती है, इतनी खूबसूरत है एंड अ परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन फॉर यू एंड योर फैमिली एंड इन दिस रिसोर्ट फॉर योर पेट्स एज वेल बिकॉज इट इज़ अ पेट फ्रेंडली रिसोर्ट, तो आप अपने पेट्स को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। आई मिस हीला, आई हैव माई पेट बैक एट होम, बट पेट नहीं तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर को तो लेके जा रहा हूँ। रोड कैन बी लिटिल ट्रिकी, लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएं, विच गोज बाय द नेम ऑफ द सेम प्लेस, संभाला बाय द लेक .india.com है, आपको गूगल मैप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड देन गूगल कैन गाइड यू हियर, वरना आप वैसे ही आ जाएंगे तो हाई पॉसिबिलिटी आप घूम जाए। क्या मस्त खेत है, विंड मिल्स, वाटरफॉल्स, गाय भैंसे सब है, ऐसे लगता है एकदम रूरल महाराष्ट्र में आ गया हूँ। ये देखो भैंसों का नाम लिया, साला शिस्तीत जावा, सांभाळून सांभाळून सांभाळून। मराठी बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आणि मी खूप चांगली मराठी बोलू शकतो, हाँ बीच में बंगाली भी शुरू किया था, स्लोली स्लोली बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कोशिश करते रहता हूँ जहाँ पे जाऊँ उस जगह की लैंग्वेज सीखो। लुक एट द ग्रीनरी, लुक एट द लेक, ओह माय गुडनेस। रास्ता इतना शानदार है कि मुझसे रहा नहीं गया, गाड़ी पार्क करके मैं थोड़ी देर उतर गया और मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा एक नज़र घुमा के अपनी आंखें तृप्त कर लूं। ग्रीन के इतने सारे शेड्स आपको दिखेंगे स्पेशली मानसून के वक्त, और शहर के इतने करीब होने के बावजूद माई फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट कामशेत, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है इन्होंने प्रॉपर्टीज लेके रखी हुई है, रिसॉर्ट्स नहीं, बहुत कम होंगे अगर होंगे तो, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, होम स्टेज है और ज़्यादा लोग इस वक्त नहीं है, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। ओके, बहुत ही सुनसान है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, वाटरफॉल्स दिखेंगे, बड़े बड़े सह्याद्री माउंटेन्स दिखेंगे और जो है अभी अभी बारिश हुई है तो ग्रीनरी इज एवरीवेयर एंड ग्रीन इज समथिंग आई वॉज क्रेविंग स्टेइंग इन मुंबई। से दोस्तों सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी बता देता हूँ, तो ये पूना से थोड़ा सा नज़दीक है, मुंबई से थोड़ा सा दूर है लेकिन दोनों के बीच में ही आता है। पूना से ये जगह है लगभग 50 से 60 किलोमीटर। हम जिस जगह पे अब जा रहे हैं ये जगह कामशेत से भी 12 किलोमीटर अंदर है। ओके, तो ये कामशेत एक गाँव है और उसके बाद जो है और आपको 12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो होम स्टे मिलता है। But other than that, the journey is spectacular. I would recommend everybody, if you're staying in Pune or Mumbai, और अगर आपने कभी कामशेत नहीं देखा है तो हमारा ब्लॉग देखिए, पसंद आया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर ब्लॉग का कॉन्टेंट पसंद आए तो कामशेत भी आइए। चलिए फिलहाल हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, सॉरी होस्ट वेट कर, गेस्ट तो क्या बोल रहा हूँ मैं। रोड इज बिट नैरो, कामशेत से निकलने के बाद थोड़ा सा कच्चा रास्ता जरूर आ जाता है, अदरवाइज इट्स ऑल ओके, आई मीन नो प्रॉब्लम, नो क्राउड। आई एम लिटिल कन्फ्यूज हुआ एग्जैक्टली इज दिस प्लेस, हर जगह पे आपको बोर्ड नहीं मिलेंगे, लोगों से पूछते जाइए नहीं तो फिर गूगल मैप जिंदाबाद है।
मेन रोड से कामशेत से हमने मेन रोड छोड़ दिया था, कामशेत के अंदर आए 12 किलोमीटर के बाद वापस एक छोटा सा कच्चा रास्ता जाता है। You see this board? That's the place we need to go, Sambhala by the lake. And that's Sanjay, he's the owner of this property. At last, we are here. Have I, did I tell you that this is my first time I'm coming to Kamshet? This is Lonavala, Mumbai, Pune, Lonavala, Khandala, max to max. This is what I know. Kamshet is my first time. Pray and hope it turns out to be an awesome experience. Fingers crossed, hoping for the best. Wish me luck. I'm here with Sanjay's mom. She's 89 years old and what a lovely she is. So we are going to have a little motherly, yes, maa bete ki baatein ho rahi hai. Aayi malak, but we are going to speak in Marathi. Aayi malak, vicharayach hota ki tu shaharat pan rahiliyes ani aata kamshet madhe pan aaliyes. Farak kay vatto ani tujhya kadun aay kayacha mana? Majha lagna 19 varshi jhala. Tyachyat na 20 माणसं माझ्या कुटुंबाला होते, पण त्याच्यात मी माझे आई वडील गरीब, माझं लग्न झालं त्याच्यात मुंबई उमली हां, आणि तिथे मी त्या कुटुंबात जी रमली ना तर तिथे सगळं मी केलं, पण मी सगळं सहन करायची, काही काही बोलायचं नाही. तू कामशेतला किती वर्षापूर्वी आहे? आता आली आहे, कोरोनाच्या अगोदर आता 3 वर्ष अधिक झाली मला. अच्छा, त्याच्या पहिले मुंबईला राहायची? हा, मुंबईला, गावाला. गाव कुठलं? एकच ठिकाण आहे, फोंडा घाट. अच्छा अच्छा, इकडे आल्यावर कसं वाटतं तुला? इकडे आल्यावर एकदम फ्रेश वाटतं मला, एकदम फ्रेश. माझ्या मनानेच मी आधी हलकी झाली आहे की मुंबईला अशी पाठ केली आहे. पण आता तू स्वतःसाठी तुला जे आवडतं ते खाते, तुला जे आवडतं तसं राहते. मला आता आवडतं ते मी खाते, नाही मिळालं तरी मला काही त्रास होत नाही, मला काही दुःख होत नाही. आता चपाती नसू एखाद्या दिवशी, नुसती पेस्ट घ्यायची बस. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक विचारायची, तर तू आता 89 इयर्सची आहे, पण असे बरेचसे लोक आहेत जे 60-50 मध्ये असं वाटतं की बाबा आपण तो खूपच म्हातारे झालो, आता काय करायचं आपल्याला हे, तर त्यांना जिद्द द्यायला तू काहीतरी सांग त्यांना, तिकडे बघ आणि सांग त्यांच्याकडे. जिद्द द्यायला म्हणजे त्याने आपलं मन घट्ट करून राहायला पाहिजे, कसं राहायला पाहिजे आपल्या वयात हे त्याने ठरवायला पाहिजे. आपलं हे त्याने ठरवायला पाहिजे की आपण आपलं हे इतके वय झालेलं आहे, आपण कसं राहिलं पाहिजे, ती सून आहे की नातू आहे, तो काय बोलतो आहे, ऐकायचं ते गप्प राहायचं. आपलं वयच इतकं झालेलं आहे, आपल्याला आता उठून उठणे तिथे बस म्हटलं तरी उठला पाहिजे आणि तिथे बसला पाहिजे. तुझा मुलगा खूप काळजी घेतो तुझी? माझी काळजी सगळीच मुलं घेतात, ती पण घेतात माझी काळजी. पण हा आता याच्याबद्दल त्याला माझा त्रास होता का म्हणे याची मला काळजी वाटते. फेवरेट प्रोग्राम? फेवरेट सगळे प्रोग्राम आता असा येईल. आता आमचा शो बघ आणि तो राजा राणी, राजा राणी. आणि आता हे झालंय की भाग्य दिले तू मला, हा हा हा, त्या सिरियल. मदर्स अँड सिरियल्स. आणि चित्रपट वगैरे बघतेस का तू? क्या नाही, अरे बापरे. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. फक्त ते फिल्म सिरियल साठी मी जाते बघते. अच्छा, लावून बघायचं, वेळ काढायचं, काय चांगलं त्याच्यात असेल तो पॉइंट एक बघायचा, जरास बंद करायचा आहे. ठीक आहे, खूप छान वाटलं मला, मला भेटून एकदम मजा आली. मला मी घरी जाऊन माझ्या आईला सांगणार आहे.
This is amazing. Can we have a look here? Yeah. Is this all yours? यही है? ये क्या है? ये क्या लगे हुए हैं? Fishing है ये? एक fishing का project चालू हुआ था लेकिन बंद हो गया. तो यहाँ पे fishing allowed नहीं है, swimming allowed नहीं है, kayaking allowed नहीं है, right? हाँ, मुझे commercial fishing ना allowed, पर ये चालू है जो locals है, जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं. अच्छा. They do it. Okay. अभी तक commercial boating वगैरह यहाँ allowed नहीं हुआ है. One in a million.